वेलकम बैक, मैं हूं मानसी और आप सभी देख रहे हैं सी लॉट न्यूज। आइए जानते हैं क्या है आज की मुख्य खबरें। राजस्थान में घूसखोरी का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें पूरा का पूरा दफ्तर ही घूस लेते पकड़ा गया। इतना ही नहीं, पकड़े जाने पर राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी ने तर्क दिया कि जब कोई मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आए तो कैसे मना करें। जानकारी के मुताबिक जयपुर शहर के विकास का जिम्मा संभालने वाले जयपुर विकास प्राधिकरण की डिप्टी कमिश्नर समेत पूरा दफ्तर घूसखोरी के मामले में रंगे हाथों पकड़ा गया। आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। नोएडा के सेक्टर 39 थाने की पुलिस ने सूचना मिलने पर एक जगह छापा मारा। पुलिस ने सेक्टर 44 के घर में यह छापा मारा। यहाँ से पुलिस को 3,70,00,000 से अधिक नकदी बरामद हुई है। आपको बता दें, ये नकदी किराए पर रहने वाले एक शख्स की है। पुलिस मामले की जांच अभी भी कर रही है। विदेशी कंपनियां सोशल मीडिया पर अपने बयानों को लेकर विवादों में बनी रहती है। हाल ही में ऐसा ही मामला हुडाई कंपनी के साथ हुआ। कंपनी ने सोशल मीडिया पर कश्मीर को लेकर एक पोस्ट डाली थी, जिसको लेकर भारतीय भड़क गए। हालांकि ये पोस्ट कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट से नहीं थी। इसके बाद कंपनी को ट्विटर पर बयान जारी करना पड़ा था। अब कुछ ऐसा ही फास्ट फूड चैन रेस्टोरेंट KFC के साथ हुआ है। KFC ने पाकिस्तान की फेसबुक हैंडल से कश्मीर को लेकर सोनीपत के सेक्टर 15 में उस वक्त सनसनी फैल गई जब हरियाणवी रागनी कलाकार की मौत की खबर सामने आई। जी हाँ, हरियाणा की मशहूर रागनी गायिका सरिता चौधरी की सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव सेक्टर 15 स्थित उनके मकान से मिला। सरिता की मौत की खबर से उनके परिजनों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने बताया, सरिता के मुंह से खून निकल रहा था। उन्होंने बताया कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि ये हत्या है या आत्महत्या। आइए जान लेते हैं क्या है आज के कोविड अपडेट्स। देश में कोविड-19 महामारी के मामले बीते 48 घंटों की तुलना में आज कम है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1,00,000 से कम नए केस मिले हैं, जबकि एक दिन पहले रविवार को 1,07,474 नए केस सामने आए थे। आपको बता दें, देश में पॉजिटिविटी रेट 7.25% है। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए सी लॉट न्यूज के साथ।